कुशीनगर के दुधई रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पैसेंजर ट्रेन और स्कूली वाहन में हुए दुर्घटना में मारे गए बच्चों के लिए एक महिला सामाजिक संगठन के द्वारा शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान से जुड़ी महिलाओं ने हाथों में मोमबत्ती जलाकर बच्चों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। संस्थान के सदस्यों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल व्यवसाय का केंद्र बन गया है, जिसमें परिवर्तन की जरूरत है। इस अवसर पर प्रीति द्विवेदी, तुलिका त्रिपाठी, तनुश्री बनर्जी, रिंकी शर्मा, विनीता शालिनी सहित संस्थान के कई सदस्य मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रीति द्विवेदी ने कहा, आज यहाँ पे श्रद्धांजलि जा रही है उन बच्चों को जो कल दुर्घटना से ग्रसित हुए ड्राइवर की लापरवाही से। आपको पता है कि अपने गोरखपुर में जितने विद्यालय हैं तो वहाँ के जो अभिभावक है जो भी दिन प्रतिदिन घटनाएं हमेशा होती रहती है। आपको पता है कि जब ये बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि एजुकेशन मिलेगा, वहाँ भविष्य उनका फ्यूचर मतलब होगा, ब्राइट होगा, बट इन दुर्घटनाओं को देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि आज का जो स्कूल जो है व्यवसाय बन गया है, आज का जो स्कूल है इसमें व्यवसाय बन गया है। व्यवसाय के साथ आपको बता दें कि जो बच्चे स्कूल में ऑटो में जाते हैं वो वैसे जिस तरीके से गाय बकरियों को भरा जाता है, मतलब उस तरीके से ऑटो में भर के बच्चे जाते हैं, इसकी लापरवाही का खामियाजा कल उन बच्चों को, मासूमों को भुगतना पड़ा जिनके घर के चिराग बुझ गए। उन माँ बाप से पूछा जाए कि क्या हुआ, किसको जिम्मेदार मानती है इसके लिए? सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के अपने प्रशासन की भी हम नहीं रहे, बड़ी जिम्मेदारी लापरवाही वहाँ क्रॉसिंग की, क्रॉसिंग करें, अगर वो क्रॉसिंग गार्डन गिरा होता तो ऐसी दुर्घटना वहाँ नहीं होती।